ये लेक्चरर पॉलिटेक्निक है, इसका पैटर्न जो है वो पैटर्न आपका चेंज हो गया, वो पैटर्न मार्क्स का जो है वो 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। तो जर्नल हिंदी है, आप लोगों ने जो लेवल रहेगा वो कक्षा 10 तक यानी क्लास 10th तक का जो लेवल है वो रहेगा। तो पर्टिकुलर अगर आप अभी हिंदी का कोर्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है, जो 100 मार्क्स का है, तो हिंदी का कोर्स आपको हमारी ऐप पे जो है वेसी क्लासेस ऐप पे आपको मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड, जैसा आप सभी इंतजार कर रहे थे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में प्रवक्ता भर्ती का पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पे जो है बात करेंगे। तो आपका जो अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, ये अपडेट यहाँ पे आप देखेंगे, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर PWD एग्जाम 2024, इसका जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो नोटिफिकेशन आपको जो है कुछ इस तरीके का जो है कुछ इस तरीके का आप लोगों को जो है वो आपका दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो यहाँ पे आपकी कुल वैकेंसीज आपकी हैं, ये टोटल वैकेंसी जो है वो 525 हैं, ठीक है, कहाँ पे लेक्चरर हैं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में, और एक वैकेंसी जो है वो आपका लोक निर्माण विभाग में है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो विज्ञापन प्रकाशन की इसकी तिथि है ये आपका 23 जुलाई है, और 12 अगस्त तक जो है, ये 12 अगस्त तक आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद जो संशोधन की आपकी डेट है वो आपकी 18 अगस्त तक है। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद है, क्योंकि जो आपका ये लेक्चरर पॉलिटेक्निक है, इसका पैटर्न जो है, ये पैटर्न आपका जो है इस टाइम पे आपका पैटर्न जो है वो पैटर्न आपका चेंज हो गया, वो पैटर्न में आपका चेंज क्या हुआ है उसको हम लोग आपका देखते हैं। तो ये पैटर्न की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो पहले इसमें जो है आपका एक ही जो है वो पेपर आपका होता था, लेकिन अब यहां पर आपके जो है वो आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, ठीक है, केमिस्ट्री आपका हो, तो यहां पर जो पहला पेपर है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा जो कि सामान्य हिंदी का है, 100 नंबर का है, 2 घंटे का पेपर, ये सब के लिए आपका जो है ये सब के लिए आपका कंपलसरी है, पेपर नंबर 1, ठीक है। पेपर नंबर अगर हम 2 की बात करें तो पेपर नंबर 2 जो आपके टेक्निकल कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग वाले उनके लिए नहीं है, लेकिन जो आपके जैसे अगर हम बात करें जो फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है, गणित के लिए है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए है, या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए है, उनके लिए यहां पर जो है सामान्य अंग्रेजी यानी जो है जनरल इंग्लिश का जो है जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा और आपका जो है वो 2 घंटे का होगा। इसके बाद जो आपका थर्ड पेपर है, ये जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उस सब्जेक्ट का आपका जो है पेपर होगा। तो कुल मिला के अगर हम जनरली देखें तो आपके यहाँ पे 3 पेपर हैं, इंजीनियरिंग वालों के लिए केवल एक हिंदी का पेपर है और एक उनका जो है वो आपका सब्जेक्ट का जो है सब्जेक्ट का पेपर है। ये यहाँ पे आपका MCQ टाइप आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग जो है नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, और उसके बाद जब आपका रिटर्न जो है वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद आपका 50 मार्क्स का जो है वो 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। तो यहां पर हम जो है पर्टिकुलर अभी बात कर रहे हैं जो आपका सामान्य हिंदी है, इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका क्या रहेगा, इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं, जो कि आपका अगर हम बात करेंगे आप सिलेबस में तो सामान्य हिंदी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का है तो आपके पास 2 घंटे हैं, यानी 120 मिनट में अगर हम बात करें आपको जो है वो जो है 100 क्वेश्चन करने हैं। जनरल हिंदी है, आप लोगों ने जो लेवल रहेगा वो कक्षा 10 तक यानी क्लास 10th तक का जो लेवल है वो रहेगा, जहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ण विचारों की, स्वर की बात करेंगे, व्यंजनों की बात करेंगे, उनका वर्गीकरण देखेंगे, उनका उच्चारण स्थान जो है अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, इनको हम देखेंगे। यहां से आपके जो है 15 क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। उसके बाद शब्द समूह की बात करें, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, तत्सम, तद्भव, तत्सम जो होता है वो संस्कृत के आपके हैं, संस्कृत से निकले हुए, लेकिन तद्भव जो है वो उसका क्या होता है, बिगड़ा हुआ जो है, तद्भव उसका बिगड़ा हुआ रूप होता है, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो शब्द रचना है वहां पे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, उपसर्ग जो पहले लगते हैं, प्रत्यय जो आपका बाद में लगते हैं, इसी प्रकार संधि है, चाहे दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि है, फिर इसी प्रकार से समासों की अगर हम बात करें, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, ये भी आप लोगों को पढ़ने होंगे, ये बाकी आपका जो है 10-10 नंबर का है। उसके बाद अगर हम बात करें शब्द रचना की तो पर्यायवाची शब्द भी है और आपका विलोम शब्द है, यानी 5 आपके पर्यायवाची पूछे जाएंगे, शायद 5 आपके विलोम शब्द। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, श्रुति सम और भिन्नार्थी शब्द, ये आपसे 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद वाक्यांश के लिए 1 शब्द, वाक्य के लिए 1 शब्द, ये 5 पूछे जाएंगे। उसके बाद अशुद्धि शोधन इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
एरर जिसको हम कहते हैं, तो यहां पर ये आपका 10 मार्क्स का है। फिर लोकोक्ति मुहावरे, लोकोक्ति मुहावरे भी आपसे पूछेंगे। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो यूके ट्रिपल एससी ने जो आपका थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था, हालांकि ये एग्जाम जो है वो यूके पीएससी करा रहा है, उन्होंने जो है वो पहाड़ी लोकोक्तियां और पहाड़ी मुहावरे भी जो है वहां पे देने आपके शुरू किए, उसको हम बाद में आपका समझेंगे। फिर विराम चिन्ह आपसे पूछेंगे और लास्ट में आपका जो व्याकरण जो आपका है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया, लिंग, वचन, काल, और ये जो लेवल रहेगा ये 10th लेवल तक जो है, क्लास 10वीं जो है उसके लेवल तक है, उसके लेवल तक रहेगा। उसके बाद अगर हम इंग्लिश में चलें, ठीक है, ये इंग्लिश में आपको ध्यान देना है केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मॉडर्न ऑफिस और सेक्रेटेरियल जो आपका प्रैक्टिस पद है उनके लिए आपका है। जो आपका पेपर है वही 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, मल्टीपल चॉइस है जिसमें आपका जो है जो टर्म कॉमन टर्म आपके होते हैं उनके लिए आपका है। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका है, वॉइसेज हैं, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, ये क्वेश्चंस आपके आएंगे। फिर उसके बाद सिंथेसिस में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आपका जो है ये आपका आएगा। फिर इस प्रकार से जो टेंस है, टेंस आप लोगों से पूछेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जहां पे आपको हिंदी में अगर देखेंगे तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वही इंग्लिश में आपका क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। फिर सिनोनिम, एंटोनिम, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये आपसे पूछा जाएगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ये सारा का सारा सिलेबस जो है ये, लेकिन आपका जो सिलेबस है ये केवल आपका किन के लिए है, वो जो आपका ये जो चार आपके सब्जेक्ट हैं इनका आपका जो है बन के आएगा। उसके बाद फिर यहां पर जो है आपका अगर हम बात करेंगे जो पर्टिकुलर अगर हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उससे रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है वो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका जो है, इलेक्ट्रिकल वालों का जो सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल वालों का सिलेबस आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके जितने भी आपके जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, पूरा यहां पे पीडीएफ है, बहुत बड़ा पीडीएफ आपका है, 88 पेजेस का है, तो वहां से आप पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग जो है वो यहां पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो अगर आप अभी यहां पे जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूके पीएससी एग्जाम में, तो पर्टिकुलर अगर आप अभी हिंदी का कोर्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है, जो 100 मार्क्स का है, तो हिंदी का कोर्स आपको हमारी ऐप पे जो है वेसी क्लासेस ऐप पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे कुछ टॉपिक्स जो है वो मैंने आपके पढ़ाए हुए हैं, कुछ हमारी आरती मैम है, आरती मैम ने आपके पढ़ाई हुई है, आरती मैम ने आपका जो नेट है वो भी आपको क्वालिफाई किया हुआ है, और पिछले जो हमारे यूके ट्रिपल एससी के अदर एग्जाम्स हैं वहाँ पर भी जो है मैम ने आपका जो सब्जेक्ट ये आपका हिंदी है वो हिंदी आपका पढ़ा, तो इसको आप जो है पढ़ सकते हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है, कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। हम भी आप लोगों के लिए बीच बीच में जो है हिंदी के जो यहाँ पे कुछ आपकी लाइव क्लासेज जो है एमसीक्यू वाली वो हम लाते रहेंगे। हाँ, आपको टाइम जरूर मिलेगा, ठीक है, अभी आपका है तो लगभग आपके पास 4 से 5 महीने का जो मिनिमम से मिनिमम टाइम की अगर हम बात करें 4 से 5 महीने का टाइम रहेगा, तो उस बीच में आप जो है अपनी तैयारी यहाँ पर जो है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आप लोग बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे, पॉलिटेक्निक जो लेक्चरर वैकेंसी है, तो आप लोगों के लिए मौका आ चुका है, इस मौके को गवाइएगा मत, हम हमेशा आपके साथ बने, तब तक के लिए नमस्कार।